दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आप लोगों का स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं बाहर और दिखाते हैं मेरे बच्चे सब क्या कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों किचन में बनाएंगे केला और मछली का मिक्स रेसिपी, एकदम न्यू तरीका का रेसिपी रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों नीचे देख लेते हैं, उसके बाद हम किचन में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज जो है मेरे यहाँ खिला खिला धूप जो है निकला है और बच्चे सब जो है खूब मस्ती कर रहे हैं। और इधर दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए कितना धूप निकला है। बहुत दिनों के बाद जो है धूप मेरे यहाँ निकला है। और सारे बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं, और मेरे दोस्तों घर के बगल में छोटा सा सरसों के पेड़ भी हो गया है, जिसमें दिखाती हूँ आपको। देखिए फूल कितना पीला पीला सुंदर खिला हुआ है और साथ ही फरा भी है। तो मिट्टी जो है फूल भी नहीं तोड़ती है। ये जो है देखिए दोस्तों, यहाँ गेहूं का भी पौधा हो गया है, जिसमें गेहूं का बाल एक ठो फरा हुआ है और सरसों भी फर गया है। फर गया नहीं तो सृष्टि बड़ा होगा तब तोड़ेंगे, ठीक ना? फरने दो और ये बड़ा होगा। देखती है इसमें भी फर गया है, इसमें भी फर गया है। बड़ा होगा ना तब तोड़ेंगे, ठीक ना? हाँ उन्हों फर गया है। तो देखा तो दोस्तों आज का मौसम बहुत अच्छा है और ये मौसम में कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं किचन में और टेस्टी टेस्टी लाजवाब जो आप लोग को भी पसंद है। किचन में आ गए हैं और बनाएंगे मछली और केला के मिक्स रेसिपी। तो दोस्तों एकदम मेरे लिए तो आज न्यू रेसिपी है, ये आप लोगों के लिए है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो केला और मछली का न्यू रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले मछली को हल्दी लगाकर फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद केला के छिलका हटाकर फ्राई करेंगे। चलिए दोस्तों पहले हम मछली को हल्दी लगाकर फ्राई कर लेंगे, ताकि मछली जो है खराब ना हो, क्योंकि एक डेढ़ घंटा हो गया है मार्केट से आए हुए। आइए दोस्तों सबसे पहले मछली को हम फ्राई करते हैं। तो मछली में हल्दी लगा लेते हैं। तो मछली में हल्दी लगा दिए हैं। तो चलिए कढ़ाई गरम करने के लिए भी रख दिए हैं, तो तेल डालते हैं और मछली को फ्राई करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बताइए दोस्तों तेल गरम हो गया है, तो मछली हम फ्राई कर लेते हैं। कम तेल में मछली को हम तलेंगे, ज्यादा तेल में हम नहीं तलेंगे। दोस्तों मछली फ्राई हो गया है, तो हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। इसको भी एक तरफ होने देते हैं, उसके बाद जो है पलट देंगे। दोस्तों कम तेल है तो मछली जो है तेल में नहीं डूबता है, तो हम इसे साइड करके कढ़ाई को घुमा देते हैं। सारे मछली फ्राई कर लिए हैं, चलिए निकालते हैं। दोस्तों मछली फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए अब हम केला फ्राई करेंगे। तो केला में हम बेसन और हल्दी लगा देते हैं और नमक। आइए दोस्तों आकार में काटे हैं, इसमें हम हल्का बेसन डाल देते हैं। मिर्ची थोड़ा डाल दिए हैं और नमक। अब इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ले मछली भी फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और साथ ही हम इसमें केला में बेसन भी मिक्स कर लिए हैं। आइए दोस्तों कढ़ाई में डालते हैं। केला को चलिए पलट लेते हैं।
मसाला में डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और फोरन में जीरा और काला सरसों। और साथ ही दोस्तों हम इसमें गोल मरीच, पीला सरसों और लहसुन का पेस्ट बना कर ले आते हैं। केला फ्राई होता है तब तक हम पेस्ट बना कर ले आते हैं। तो दोस्तों केला फ्राई हो गया, निचले थाली में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम फ्राई किए हैं दोस्तों। इस तरह से अगर मछली में मिक्स करके बनाइएगा केला को, बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छी तरह से फ्राई कर लिए, चलिए आप मसाला को फ्राई करते हैं। और काला सरसों डाल देंगे। डाल देते हैं मसाला, जब तक भुना रहा है तब तक इसमें टमाटर भी डाल देंगे। इसी में मसाला में डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर भी गल जाएगा और मसाला भी भुना जाएगा। 5 से 6 मिनट तक भून लेते हैं। तो मसाला भुना गया है, इसलिए ग्रेवी के लिए हम पानी डाल देते हैं। इस तरह से भुने हैं तो ये ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। रस में उबाल आने देते हैं, उसके बाद जो है मछली फ्राई साथ ही केला फ्राई हम डाल देंगे। रस में उबाल आ गया है तो चलिए हम इसमें केला फ्राई और मछली फ्राई किए हैं सो डाल देते हैं। केला और मछली का रेसिपी टेस्टी टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम चूल्हा पर से उतार लेते हैं। आज हम धनिया पत्ता नहीं डालेंगे क्योंकि धनिया पत्ता खत्म हो गया है। आइए दोस्तों उतारते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम रोटी के साथ परोसते हैं थाली पे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आइए दोस्तों रोटी के साथ परोसते हैं। चलिए रोटी के साथ थाली में परोसते हैं। आइए दोस्तों, दोस्तों देखिए मेरा जो है मछली कितना टेस्टी बना है। केला और मछली का रेसिपी रोटी के साथ हम थाली में परोस लिए हैं। बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।